हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम Xiaomi 12T 5G होने वाली है। तो ये स्मार्टफोन मार्केट में कब और किस फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकती है, तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रेडिक्शन पर बेस्ड है, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते बात करते इस फोन की डिस्प्ले। तो इस फोन की डिस्प्ले 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है। और साथ ही इस फोन में 16 मिलियन कलर एंड HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट रहेगा, जिससे कि मल्टीमीडिया कंटेंट की क्वालिटी और भी ज्यादा बेटर होने वाली है। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन के हाइलाइटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस फोन में दी गई न्यू सिलिकन चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर हाई ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, और ये प्रोसेसर डुअल 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करती है। साथ ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड होगा। तो Xiaomi का यह स्मार्टफोन 8GB रैम एंड 12GB रैम ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, जहां 128 एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस फोन में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि स्मार्टफोन की हीटिंग इशू काफी हद तक कंट्रोल में रखती है और गेमिंग परफॉर्मेंस स्मूथनेस को 99% इंक्रीज कर देती है। अगर कैमरा सेंस की बात करो दोस्तों, इस मॉडल में दी जाएगी रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। और इस बार OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी की वीडियो 60 से 90 FPS में शूट कर पाएंगे। और टू लेंसेज का बात करो दोस्तों, ये भी LED फ्लैश के साथ देखने को मिल सकते हैं, जिसके हेल्प से काफी बेटर क्वालिटी का इमेज कैप्चर कर पाएंगे। साथ ही अगर बात करें फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में दी जाएगी 32 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया गया है, जिसके हेल्प से काफी बेटर क्वालिटी का इमेज कैप्चर कर पाएंगे। और फ्रंट कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल में 30 से 60 FPS में रिकॉर्ड शूट कर पाएंगे। साथ ही फ्रंट कैमरा के हेल्प से वीडियो कॉलिंग एंड फेस लॉक जैसे भी फीचर यूज कर पाएंगे। अगर बैटरी बैकअप की बात करो, इस मॉडल में दी जाएगी 5000 mAh की नॉन रूम पावरफुल बैटरी, जो कि आने वाले सुपर फास्ट चार्जिंग एंड USB Type-C सपोर्ट के साथ। और इस मॉडल को चार्ज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स 120W का फास्ट चार्जिंग दी जाएगी दोस्तों। अगर एडिशनल फीचर की बात करो, इस मॉडल में दी जाएगी 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, कंपनसेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर भी देखने को मिल सकती है। तो इस फोन IP68 सर्टिफाइड स्मार्टफोन हो सकता है, ओवरऑल स्मार्टफोन वाटरप्रूफ एंड डस्टप्रूफ स्मार्टफोन। तो वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे इस फोन के प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो इस फोन के प्राइस अप्रोक्स 30 से 40K के बीच में हो सकती है, और यह स्मार्टफोन कंपनी तरफ से कोई लॉन्च डेट निकल के नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।